मैं हूँ आईजीएस और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट। अब बेसिकली चैप्टर नंबर 12 जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि हम इस फील्ड में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ब्रांच में, उन तमाम मेथड्स को, उन तमाम रिएक्शन को स्टडी करते हैं जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पर मैं एक आपको बात बताऊं कि भाई अगर एक नॉर्मली कोई गेम भी होता है, कोई सा भी गेम ले लें, चाहे आप क्रिकेट ले लें, आप फुटबॉल ले लें, या आप इंडोर गेम्स में लूडो कैरम वगैरह ये वाले गेम ले लें, इन गेम्स में भी अगर आपको गेम्स के रूल्स ना आते हों, या अगर आपको गेम्स की टर्म्स ना पता हो कि हमारे पास किस चीज को किस टर्म से, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट के तौर पे फुटबॉल में गोल करना एक टर्म है, ठीक है, और ये प्रोसेस होता है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि जो बॉल होती है वो हमारे पास एक डेस्टिनेशन तक पहुंचानी होती है, तो जब तक ये टर्म नहीं मालूम हो आपको ना गेम समझ में आएगा ना गेम में मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कुछ टर्म्स होती हैं, और उन टर्म्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे की केमिस्ट्री आपको, आगे की इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होती हैं। देखिए ओवरऑल हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यही रिएक्शंस अगर हमारे पास हीट से रिलेटेड होते हैं तो हम उसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कह देते हैं कि भाई हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक है, और हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक है, ठीक है भाई। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक टर्म यूज होती है, और वो टर्म भी बेसिकली जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ते हैं तो हमारे पास तीन डेफिनेशंस आती हैं, लेकिन ये जो तीसरी डेफिनेशन जब हम इसे कवर करेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती है। तो चलिए पहले हम जो है वो टोटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, देखिए हमारे पास तीन पर्सपेक्टिव होते हैं किसी इसको डिफाइन करने के, ठीक है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि हर वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई हो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब जैसे इसकी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, तो भाई ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम चेंज हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ट्राइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एल्यूमिनियम में, जो कि यहाँ पर एक अकेली एल्यूमिनियम मेटल थी, और अब इसमें जो है वो क्या हो चुका है, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। अब दूसरी जो है वो हम देखते हैं, पहले ऑक्सीडेशन के तीनों कर लेते हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमारे पास है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम कहते हैं जी उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुई है, कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो भाई अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे कि ये है हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ मिलती है तो क्या होता है HCl और सल्फर बनता है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम ऑक्सीडेशन को कवर कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर इसको नहीं सल्फर को देखें, क्या हुआ है कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड था, देखा जाए तो सल्फर का पेयर बना हुआ था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन सल्फर से रिमूव हो गई, ठीक है, यानी सल्फर अकेली हो गई। अब ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ये अगर डेफिनेशन के उससे देखा जाए तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सल्फर में ऑक्सीडेशन हो गई है, यानी सल्फर से क्या चीज जो है वो रिमूव हो गई है, हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। अब इस तरह हम आते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी भी जो है वो एलिमेंट से या कंपाउंड से या किसी से भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, ज्यादातर हम यहाँ पर एलिमेंट, कोई मेटल, मेटल ही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की सलाहियत रखती है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमारे पास ये देखें ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर आयरन है,
आयरन क्या हुआ, आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और ये आयरन का आयन बन गया, ठीक है, जो कि पॉजिटिव आयन है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफाइन होगा किसमें, ऑक्सीडेशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमारे पास बेसिकली जो देखा जाता है ऑक्सीडेशन को, वो इसी से ही देखा जाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम रिडक्शन की तरफ आते हैं। रिडक्शन जो है वो यूं समझ ले इसी का उलट है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अब इसके लिए जो है वो हम पढ़ लेते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन में जो है वो टूट गया, तो भाई यहाँ पर कॉपर थी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन हुई हुई थी, लेकिन आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ कि कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब ऑक्सीजन के रिमूव होने की वजह से ये हम कहेंगे कि कॉपर की जो है वो रिडक्शन हो गई है, कॉपर रिड्यूस हुआ है, इसमें रिडक्शन हो गई है। फिर हमारे पास आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एड होना, तो भाई जैसे हमारे पास ये है टंगस्टन ऑक्साइड, और ये टंगस्टन ऑक्साइड जब हमारे पास रिएक्ट करता है, ठीक है, तो बेसिकली किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर बनता है। अच्छा, ये जो वाटर बने, बेसिकली देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो, इन दोनों ही लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो टंगस्टन से जो है वो रिमूव हुई है, ठीक है, यहाँ पर, और इसके अलावा देखा जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी ऐड हो गई है, ठीक है। या अगर हम मैं इसकी ही एग्जांपल दूं हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो भाई यहाँ पर देखें ये दो केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमने कहा सल्फर के साथ तो जो है वो क्या ऑक्सीडेशन हो गई है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लोरीन के साथ जो है वो क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल एडिशन इसकी भी हो सकती है, रिडक्शन की भी, कि एक जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है और एक रिड्यूस हुआ है, एक के साथ ऑक्सीडेशन, एक के साथ रिडक्शन। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं एक और बात थोड़ी सी जो है वो क्लियर कर दूं, ज्यादातर जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, यह हमारे पास सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। सिंगल का मतलब क्या हुआ, सिंगल का मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई हो, या केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे मैंने यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी, तो इसमें देखें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा फिर, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जब हम तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कंप्लीटली रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अगर देखा जाए एक रिएक्टेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो दूसरा रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी एट अ टाइम कर रहा होता है, जो नॉर्मली हमारे पास होता है दो रिएक्टेंट आपस में मिलने पर जो रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर है बेसिकली हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए भाई, अब रिडॉक्स रिएक्शन की जब बात आई है, तो मैं आपको बताऊं कि अब इस रिएक्शन को देखें, जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, तो पहली डेफिनेशन तो हम इसको नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरी में अगर आप आए, तो दूसरी में क्या है, दूसरी में हमारे पास ये है कि जिंक अकेला था और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन थी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो क्या हुआ, इसके हाइड्रोजन रिमूव हुई है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो भाई क्लोरीन के साथ तो बेसिकली अगर देखा जाए रिडक्शन हो गया है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो बस जिंक और क्लोरीन है। जिंक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिंक में कुछ भी नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अब देखें जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, यहाँ पर जिंक फ्री स्टेट में है, यानी कि ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसने कोई गेन किया है ना लूज किया है, लेकिन जैसे ही ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई यहाँ पर ये क्या करता है, जिंक पर प्लस टू और एक क्लोरीन पर माइनस वन, दो क्लोरीन पर माइनस टू हो गया। तो भाई यहाँ पर जिंक ने क्या कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तभी तो इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बनाया है। अगर आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको याद हो, तो हमारे पास क्या होता है कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जो है वो ज्यादा होते हैं, वो क्या करता है, बेसिकली एक्स्ट्रा होते हैं, यूं समझ लीजिए एक दो या तीन होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, रिमूव कर देते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ज्यादातर मेटल्स ही होती है, जिंक भी हमारे पास मेटल ही है, तो ये क्या करती है, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन
मेंटेन करता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपको पता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाती है इनके दरमियान, जो कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड कहलाती है। तो अगर देखा जाए जिंक क्लोराइड एक आयोनिक बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो भाई इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है वो क्या हुआ है, जिंक ऑक्सीडेशन की तरफ गया है, ठीक है भाई। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था और पॉजिटिव के बाद ये अगर देखा जाए हमारे पास एक नॉर्मल बन गया है, यानी मॉलिक्यूलर में बन गया है, इसको अपने वो चार्जेस वो समझ लीजिए मिल गए हैं वापस, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, तो ये हमारे पास जो है वो रिडक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही हमारे पास जो है वो रिएक्शन मौजूद है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या हो रहा हो कि रिडक्शन भी हो रही हो ऑक्सीडेशन भी हो रही हो। चलिए ये तो हमारे पास टर्म्स हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जरा एक और दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं छोटी छोटी सी, वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई रिडक्शन होना ये एक प्रोसेस है, यानी कि ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन होना। अब कोई ना कोई तो एलिमेंट है ना जो रिडक्शन करवा रहा है या ऑक्सीडेशन करवा रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझे, हमारे पास है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है यानी कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत रखता है, तभी तो। अब अगर फर्स्ट तौर पे मैं एक ऐसा एलिमेंट है, मैं एक ऐसा एलिमेंट हूँ कि जो बेसिकली ऑक्सीडेशन कराता है यानी किसी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की खींचने की सलाहियत होगी तभी तो मैं उसको ऑक्सीडाइज कर पाऊंगी। तो यही होता है हमारे पास कि ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, ये है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की सलाहियत रखे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले, और इलेक्ट्रॉन को जो खींच ले वो क्या कहलाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हमारे पास ये जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और एक कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, एक चार्ज एक्सेप्ट किया है। इसी तरह हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट यानी के जो कि हमारे पास रिडक्शन करवा रहा है, और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर करवाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये ऐड कर लो, ठीक है, अपने शेल में। तो अब ये जो एडिशन है यानी कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है, ताकि सामने वाला जो है वो क्या हो जाए, एलिमेंट रिड्यूस हो जाए, उसके साथ जो है वो रिडक्शन हो जाए। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, या जाहिर सी बात है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका होता है। तो ज्यादातर मेटल्स हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, और ज्यादातर नॉन मेटल्स हमारे पास जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा यहाँ पर देखें, रिडॉक्स रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया है कि हाँ जी ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो हमारे पास हुआ क्या है, कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई यहाँ पर जिंक था, जिंक अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई अगर ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन देखा जाए कि ये खुद जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। तो आई होप कि ये टर्म्स आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी टर्म्स आपको समझ में आई हो। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।